हेलो एवरीवन हेलो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब चैप्टर सिक्स द ब्रोनिंग वर्जन ब्रोनिंग बोलते हैं हम तमाचा और वर्जन आपको पता ही है जो लेटेस्ट वर्जन आते रहते हैं दिस इज़ चैप्टर सिक्स फ्रॉम योर बुक हॉन्नबिल दैट इज़ इन प्लस वन क्लास सो लेट स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर बिफोर स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल टू गिव मी मोर एंड मोर सपोर्ट दिस चैप्टर इज़ अ शॉर्ट एक्सट्रैक्ट ये चैप्टर है एक छोटा सा एक्स्ट्रैक्ट है फ्रॉम द प्ले एक प्ले से लिया गया द ब्रॉनिंग वर्जन प्ले से लिया गया रिटर्न बाई टेराइंस रोटिगन जो टेराइस रेटिगन के द्वारा लिखा गया है इट इज़ अ वन एक्ट प्ले ये एक वन एक्ट प्ले है सेट इन द स्कूल स्कूल में इसको किया गया है देर आर द थ्री करैक्टर्स इन द प्ले इस प्ले में कितने करैक्टर हैं तीन करेक्टर हैं फर्स्ट है टप्लू सेकेंड है फ्रांक फ्रेंक थर्ड है मिस्टर क्रॉकर जो कौन है हरीश टपलू इज़ अ सिक्सटीन ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट जो टपलू है सोलह साल का लड़का है फ्रांस इज़ यंग टीचर जो फ्रेंक है वो क्या है एक यंग टीचर है एक जवान टीचर है मिस्टर क्रॉकर जो हैरी हरीश है जिसका नाम इज अ मिडल एजड स्कूल मास्टर ये मिडल एजड स्कूल मास्टर है स्कूल में मतलब अधखड़ उम्र का मास्टर है टपलू वा हैज़ अराइव्ड इन द स्कूल टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर मिस्टर क्रॉकर हरीश मिस्टर क्रॉकर हरीश के लिए जो टपलू है एक्स्ट्रा काम करने के लिए स्कूल में आया है ही मीट्स फ्रेंक वो फ्रेंक को मिलता है एंड दे बहुत एंगेज इन अ कन्वर्सेशन दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं वाइल टपलू वेट्स जब टपलू वेट कर रहा होता है फॉर मिस्टर हरीश मिस्टर हरीश की जो उसका टीचर है लेटर एंटर मैली अब एक मैली आता है मिसिज क्रॉकर जो मिस क्रॉकर की क्या है वाइफ है हरीश हु टॉक टू टप्लू हरीश है जो टपलू से बात कर रहा है सो so, इस चैप्टर में ये तो थी इंट्रोडक्शन लेट अस स्टार्ट द समरी ऑफ द चैप्टर द सीन इज सेट इन द स्कूल ये सीन है जो पूरा स्कूल का स्कूल में सेट किया गया है वेयर टपलू और आई टू डू एक्स्ट्रा वर्क जहाँ पे टपलू आता है स्कूल में एक्स्ट्रा काम करने के लिए ऑन द लास्ट डे आखिरी दिन पे फॉर मिस्टर कॉकर हरीश एज़ ही मिस्ड अ डे बिफोर क्योंकि उसने एक दिन पहले स्कूल मिस किया था इसलिए वो एक्स्ट्रा काम करने के लिए स्कूल में आता है ही फाइंडस फ्रेंक उसको फ्रेंक मिलता है अ साइंस टीचर इन द स्कूल जो स्कूल में साइंस टीचर है फ्रेंक अस्ट हेम हिज नेम फ्रेंक उससे उसका नेम पूछता है एंड रीजन इज दियर दैट डे और उसे पूछता है तो यहाँ पे क्यों यहाँ पे इस दिन यहाँ पे है टपलो स्टडी डी इन द लोअर फिफ्थ पलू है जो लोअर फिफ्थ स्टैंडर्ड में स्टडी करता है एंड इज अबाउट टू गेट हिज रिजल्ट फ्रॉम हिज टीचर मिस्टर हरीश और उसको रिजल्ट मिलने वाला है उसके टीचर से जिसका नेम क्या है मिस्टर हरीश है मिस्टर कुकर हरीश यूजरी रिवील द रिज़ल्ट ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल वो हमेशा जब भी स्कूल का लास्ट डे होता है ना उसी टाइम पर वो रिजल्ट को क्या करते हैं रिवील करते हैं रिजल्ट को शो ऑफ करती है एंड अनलाइ एवरी अदर टीचर जैसे कि बाकी सारे टीचर भी ऐसे ही करते हैं ही फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली वो सारे रूल्स को और रेगुलेशन को बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से क्या करते हैं फॉलो करते हैं दे स्टार्टेड हैविंग अ कन्वर्सेशन वो दोनों आपस में बात करनी स्टार्ट करते हैं वे आर सेवरल क्वेश्चन जहाँ पे फ्रेंक उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है वी डोंट सी मिस्टर क्रॉकर हरीश इन द होल चैप्टर हम मिस्टर क्रॉकर हरीश को पूरे चैप्टर में नहीं देखते बट वी गेट टू नो आर लॉट अबाउट हिम बट फिर भी हम उसके बारे में थोड़ी बहुत इनफॉर्मेशन जानते हैं टकलू वांट्स टू टेक साइंस एज आ रिमूव बिकॉज ही फाइंड्स द सब्जेक्ट एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग अब जो टकलू है वो साइंस सब्जेक्ट को लेना चाहता है और वो क्या है क्योंकि वो इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है फ्रैंक ऑन द अदर हैंड डजेंट लाइक फ्रेंक को ये पसंद नहीं है बट ही टीच इन द स्कूल फ्रैंक है जो स्कूल में टीच तो करता है साइंस लेकिन उसको अपना साइंस सब्जेक्ट पसंद नहीं है मिस्टर क्रॉकर हरीश जो मिस्टर क्रॉकर हरीश है इज़ हार्डली ह्यूमन वो मतलब किसी तरीके से लगता है कि वो ह्यूमन है एज ही नेवर श्रीवल्स अप श्रीवल्स होता है सूखना क्योंकि कभी भी वो सूखा नहीं है आज तक ही टोल्ड टपलू वो टपलू को बोलता है दैट ही विल गेट वट ही डिजर्व कि मैं तेरे को मार्क्स उतने ही दूंगा जितने तू तो डिज़र्व करता है नथिंग लेस ना उससे कम मिलेंगे नथिंग मोर न उससे ज़्यादा मिलेंगे एंड दिस मेक्स हिम टेंशन इसकी वजह से टपलू को क्या पड़ जाती है टेंशन बढ़ जाती है टप्लू फर्दर इंटीमेट टपलू है जो आगे इमिटेट आगे पूछता है मिस्टर हरीश ट्वाइस इन फ्रंट ऑफ द फ्रैंक फ्रैंक के सामने दो बार फ्रैंक

इज़ नॉट अ सैडिस्ट वो सैड नहीं है एज़ दे वर डीपली एंगेज इन द कन्वर्सेशन जैसे कि वो डीपली इस कन्वर्सेशन में एंगेज होते हैं एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं मिली एंटर्स मिली एंटर करता है एंड कम्स विद द शॉपिंग बैग उसके हाथ में शॉपिंग बैग होती है शी uh, आस्ट टपलू वो टप्लू से पूछती है टू गो आउट क्या तुमने बाहर जाना है एंड कम कम बैक इन अ क्वार्टर ऑफ एन आवर मतलब हम सवा घंटे में वापस आ जाएंगे एज मिस्टर क्रॉकर हरीश वुड बी विल बी लेट जैसे कि मिस्टर क्रोकर है वो भी हमेशा आते हैं फॉर हस्बैंड अराइव अर्लियर अगर उसका हस्बैंड पहले आ जाता है शी विल टेक द ब्लेम कि अदर वो उसके ऊपर क्या लगाएगा दोष लगाएगा शी गिव्स गिम द प्रेस्क्रिप्शन फिर प्रेस्क्रिप्शन होता है पर्चे पर्चे वो वो उसको पर्चे पकड़ाएगा एंड इंस्ट्रक्ट हिम टू परचेज मेडिसिन फिर वो बोलेगा मेरे लिए दवाइयां लेके फॉर हर उसके लिए फ्रॉम द केमिस्ट से टपलू फॉलो जो टपलू है उसको फॉलो करता है एंड गोज अवे टू डू द जॉब और दूर चला जाता है अपनी जॉब को कंप्लीट करने के लिए सो दिस वन वॉज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर चैप्टर दैट इज ब्रॉनिंग बर्जन होप यू हैव इंजॉयड दिस समरी थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग